कि कब किए चूक मारी सत गुरु, कब किए चूक मारी हो, कब किए चूक मारी सत गुरु, कब किए चूक मारी हो। अरे वादिन की सुधी आवे गुरु जी, जब हम रहली तुम्हारी हो, वादिन के सुधी जब हम रहले तो हमारी हो। अरे मौज समारिया लग कई दिहला, घरवा से दिहला निकारी हो, मौज समारिया लग कई दिहला, घरवा से दिहला निकारी हो। चलली अपने मुलुकवा से, जसवा विदेशवा माधारी हो, रोवत चलली अपने मुलुकवा से, जसवा विदेशवा माधारी हो। अब जीवात्मा जब निकली तो बिल्कुल निर्मल थी, कोई आवरण जीवात्मा के ऊपर नहीं। सब हमको आपको नंगा देख करके तब ये काल भगवान के देश के लोगों ने क्या किया, इस पर पर्दा डालना शुरू कर दिया। तो बीचवा के लोग हमें नगन देखी कर, चारी पट दी है सवारी हो, बीचवा के लोग हमें नगन देखी कर, चारी पट दी है सवारी हो। वो चार पहला पर्दा क्या चला, वहां से जब नीचे उतरी तो कारण पर्दा पांच तत्व का था, और फिर उससे जब नीचे आई तो नौ तत्व का पर्दा चढ़ा जीवात्मा के ऊपर, जिसको लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर का है, और फिर तीसरा पर्दा लिंग शरीर है जो सत्रह तत्व की, और चौथा खोल चढ़ा अस्थूल जल पृथ्वी अग्नि गाव वायु और आकाश, ये अस्थूल पर्दा चढ़ा, ये चार पर्दे जीवात्मा के ऊपर चढ़ गए। तब ये जीवात्मा कहती है कि बीचवा के लोग हमें नगन देखी कर, चारी पट दी है सवारी हो, बीचवा के लोग हमें नगन देखी कर, चारी पट दी है सवारी हो। माया के बजरिया में बुधिया मोरा, भगवा मिला अधिकारी हो, भगवा मिला अधिकारी हो। अब यहाँ जो है ऐसो आराम की सारी चीजें मिलना शुरू हुआ। अरे गर्भ से बाहर आए तो जानते हो उसकी कितनी सेवा होती है, अरे इस गोदी से उस गोदी, उस गोदी से उस गोदी, अब वो तो खेल रहा है, पी रहा है दूध, खाने को मिल रहा है और खेलने को मिल रहा है, और उसकी सुख सुविधा के लिए ठंडी ना लगने पा रहे, गर्मी ना लगने पा रहे, तो उसकी सेवा सुख सुविधा हो रही। तो अब यह है यहां पर काल भगवान ने जीव को फंसाने के लिए बहुत से जाल फेंका, और फेंक करके फंसा दिया जीव, कितने कल्प व्यर्थ बीत गए, हम आप अपने घर नहीं जा पाए। अब चेता तो सतपुरुष को हो गई, आने जाने का जो रास्ता है वो बंद पड़ा। तो अब यह है कि वो फिर कहती है जीवात्मा, तब वहां से मालिक की मौत हो गई, ये जीव आ नहीं पा रहा है तो चलो उसको रास्ता बताए। तो दुखी तब भ्रमित प्रभु आप देखी, तब रूपवा धरव मनुहारी हो, दुखी तब भ्रमित प्रभु आप देखी, तब रूपवा धरव मनुहारी हो। अरे बहु दुख सही प्रभु फेरिया लगावे,
बोलिया ए बोल रे दुलारी हो बोलिया ए बोल रे दुलारी हो। आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इतने बड़े बड़े काफिले निकाल करके पूरे देश के कोने कोने में उन्होंने नाम की बरसात किया, हजारों हजारों लाउड स्पीकर लगा करके और नाम की बरसात कर दिया कि जितने भी जीव वहां पर उनके सामने आए कोई परहेज नहीं किया। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सबको नाम की दौलत दिया और दे करके सबको संतर्प किया। तब ये जीवात्मा जब होश में आती है और ये कहती है चैलन जी के साथ मालिक जब आए हैं मुझे लेने के लिए तो इसमें परहेज किस बात का। स्वामी जी महाराज ने जब रानी बाग बासी में खुले मन से नामदान देना शुरू किया वहीं पर कहा था जब सबको ले ही जाना है तो परहेज किस बात का। खुले मन से नामदान दिया, पहले ढेर करके नामदान दिया जाता था, उसको पहरा लगता था कि बाहर के लोग शब्द को न सुन पाऊं, लेकिन हजारों हजारों लाउड स्पीकर लगा करके और नाम की बरसात कर दिया तो अब यह है कि वहां पर कोई परहेज नहीं है किसी के प्रति। तब ये जीवात्मा कहती है अरे मालिक जब आए हैं आप लेने के लिए तो जब की बार स्वामी जन लई चलवा हुई है हंसी तुम्हारी हो अब ये कहती है मालिक मैं ऐसे वैसे जैसे भी हूं सतगुरु नाथ तुम्हारे, हम अच्छे ही होते यहां इतने दिन तक भटकते कैसे। अरे संजुग से बिछड़ी हुई जीवात्मा 28 संजुग बीता, 28 त्रेता बीता, 28 द्वापर बीता, 28वां कलयुग चल रहा। इस 28वें कलयुग तक हम इसी में जन्मते मरते कष्ट को भोगते हुए अब की बार मालिक आ पाए तो आपको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा अरे बच्चों मैं तुम्हें कुतुब को इसी शरीर से पार कर दू। यह है कि थोड़ा जो मैं कहता हूं उसको तुम कहते जाओ, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। अब वो जो कहने कह रहे हैं उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है, अगर उसको नहीं करेंगे तो वो घूम मजूरी करोगे तो नुकसान हो, वो काम नहीं हो पाएगा। अब जिस काम के लिए मालिक ने भेजा है वो काम हमारा छूट, आप समझ रहे हो कि यही सारा चीज दुनिया का सब अपना काम है, ये है सपना, ये तुम्हारा काम नहीं है, इसके लिए आप नहीं आए।